Hello everyone, this is Sujit Naik and we are learning GK right now, okay? And today's unit is Sports and Entertainment. Athletic is an important event in any sports meet. It is the oldest organized sports which has been played since ancient times. Athletics is also a very important part of Olympic Games. A person who takes part in athletic event is called athlete. And today we are going to learn about long jump, relay race, high jump and hurdle race. Okay, are you ready? Let us start. Today we are learning about athletics. Okay, at first long jump. Competitors sprint along a runway and jump as far as possible into a sand pit from the wooden take-off board. The distance traveled from one edge of the board to close set indentation in the sand to it is then measured. You can see a person, an athlete, he is just running and started to jump and the event is finished. Now the referee persons, they will measure what is the distance he covered as a long jump. ये कितना डिस्टेंस कवर किया अपने लॉन्ग जंप के लिए वो मेजर करेंगे और उसके बाद जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है इस सैंड पिट में उसको विनर किया जाता है. इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विनर्स होते हैं. ठीक है, चलो वॉच इट वंस मोर हाउ द लॉन्ग जंप अकर्स. Now in slow motion. Well, now we will learn about relay race. Well, in relay race, it is also called a relay, a track and field sports consisting of a set of number stages, usually four. Each leg runs by different members of a team. The runner finishing one leg is usually required to pass on a baton that is sticks, okay, to the next runner while both are running in marked exchange zone. एक ऐसा गेम है जो कि एक रेस को चार एथलेट्स वो रनिंग करके कंप्लीट करते हैं और आप देख सकते हो एक एथलेट दूसरे एथलेट को बैटन पास करता है, यानी कि हर 100 मीटर्स में एक एक एथलेट खड़ा होता है. पहला एथलेट जाके अपने टीम मेंबर को वो बाटन या स्टिक वो दे देता है. इस तरह से चारों क्या करते हैं, रनिंग करके रेस को कवर करते हैं. ठीक है, नाउ हाई जंप. इन कंपटीशन द बार इज राइज प्रोग्रेसिवली एज कंटेस्टेंट्स सक्सीड इन क्लियरिंग इट. इसका मतलब क्या है, इसकी हाइट को बढ़ाया जाता है जब तक क्या होता है कि जो कंटेस्टेंट्स होते हैं ना, यानी कि जो इवेंट में खेल रहे हैं वो क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हुए जाते हैं और जो ज़्यादा हाइट को क्लियर करता है वो क्या बन जाता है, वो विनर बन जाता है. ठीक है, यू कैन सी ये किस तरह से जंप कर रहे हैं. पहले तो ये लोग रनिंग लेते हैं, रनिंग लेने के बाद जंप करते हैं और जंप करने के बाद वो एक हाइट को जंप करते हैं और जो ज़्यादा हाइट जंप करता है वो फर्स्ट विनर होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से इसको मेजर किया जाता है. सो दिस इज द रूल एंड रेगुलेशंस हाउ द लॉन्ग जंप ऑकर्स. द इवेंट इज वेरी नाइस. हो सकता है कि अगले दिनों में आप में से कोई ऐसे लॉन्ग जंप एथलेट बने. Well, moving forward, in hurdle race,
in the sports of athletic hurdle forms the basic of number tracks and field events which are highly specialized from form of obstacle racing. Obstacle racing means what? जैसे कि आप लोग भाग रहे हो और आप लोगों को कोई रोक रहा हो, you know, like that. This is called obstacle race. In these events, a series of barriers known as hurdles are set as preciously measured height and distance which athletes must pass by running over. मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ hurdles होते हैं. Hurdles मतलब क्या होता है, कुछ bars होते हैं जैसे सरिया जैसे ना लंबा करके उसको रास्ते में रखा जाता है और जो एथलेट होता है ना उसको जंप करता हुआ वो रेस कंप्लीट करता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हर्डल्स रेस. अंडरस्टूड? एंड दिस इज वेरी नाइस. यू कैन सी सम एथलेट्स, दे आर जस्ट ट्राइंग टू जंप ओवर द हर्डल्स और इस तरह से वो क्या करते हैं, हर्डल्स क्लियर करते 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 जो सबसे तेज होता है वो होता है विनर. अंडरस्टूड? सो ये जो चारों इवेंट्स थे ये मेनली कहाँ खेला जाता है, ये ओलंपिक में खेला जाता है एंड जो इसको खेलता है ना उसको हम लोग एथलेट बोलते हैं. ठीक है, और ये जो गेम्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स मीट को बोलते हैं हम लोग. आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको इवेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इवेंट. राइट, वेल आप सब लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो. अंडरस्टूड? वेल दिस वॉज फॉर टुडे. टुमारो आई विल कम विद अनदर वीडियो. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ.